नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है राजस्थान की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने दो से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक हटाते हुए उन्हें प्रमोशन देने का फैसला किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये रोक सरकार ने पहले लगाई थी, जिसके तहत जिन भी सरकारी कर्मचारियों के दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि डबल डेकर ट्रेन के कोच वर्ष 2012-13 के निर्मित होने से पुराने हो चुके हैं, इसलिए कोच का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक हो गया था। जनवरी 2024 में अजमेर कारखाना ने डबल डेकर ट्रेन ने सभी 21 कोचों के उन्नयन और नवीनीकरण कार्य को पूरा किया गया है। अजमेर कारखाना द्वारा डबल डेकर ट्रेन के कोचों के नवीनीकरण के साथ साथ यात्री सुविधाओं को बेहतर करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। कोचों के बाहरी पैनल पर पेंट कार्य किया गया है। अगली खबर आ रही है जयपुर से। शीर्ष ब्यूरोक्रेसी में बदलाव की तैयारी, जल्दी जारी होगी आईएएस अफसरों की तबादला सूची। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सरकार के चेहरे माने जाने वाले महकमों में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भजन लाल सरकार शीर्ष ब्यूरोक्रेसी के तबादलों की तैयारी कर चुकी है। ये सूची मुंबई रोड शो में जाने से पहले ही तैयारी हो चुकी थी, अब एक दो दिन में इसे जारी किया जा सकता है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के तबादलों को लेकर नई सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो अफसर अहम पदों पर जमे थे उन अफसरों को सरकार हटा नहीं पा रही है। वहीं सिरोही में जिला अस्पताल में अव्यवस्था देखकर भड़के सांसद लुम्बाराम चौधरी, पीएमओ को लगाई फटकार। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने शनिवार को सिरोही जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था और कई अन्य अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। सांसद ने पीएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए। अगली खबर आ रही है दौसा से। जिस जेल से मिली थी सीएम शर्मा को जान से मारने की धमकी, जांच में वहां पर फिर मिले दो मोबाइल। दौसा जिले के शैलावास गांव में स्थित राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल फिर चर्चा में है। खूंखार कैदियों के बीच मारपीट से लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने तक कई वजहों से ये जेल सुर्खियों में रही है। पुलिस अधिकारियों ने जेल की जांच की तो उन्हें फिर दो मोबाइल मिले हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को इसी जेल से एक के कैदी ने जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी कैदी ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर मुख्यमंत्री को मारने की बात कही थी। कुछ साल पहले इस जेल में एक जेलर की मिलीभगत से कैदियों ने मजदूरी के पैसों में लाखों रुपए का घोटाला किया था। उस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जांच जारी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।